ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में भाई वीरेंद्र सक्सेना का एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, आप हमारे चैनल को बहुत तेजी से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब काफी बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके करें, जिससे कि मेरे हिंदू धर्म से संबंधित जो बहुत अच्छे सुंदर वीडियो, जिसको बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, आपको समय पर पहुँच सकें। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कि राशि अनुसार अगर कपड़ों का चुनाव आप करेंगे, राशि के अनुसार अगर कपड़ों की सिंथेटिक स्टाइल, रंग, फैब्रिक्स, अगर ये चीजें आपने देख ली तो आपकी जिंदगी रंगीनियों से भर जाएगी, आपका रुतबा समाज में बढ़ जाएगा और आप स्वयं को सबसे ऊपर और अलग महसूस करेंगे और जिंदगी में तरक्की और उन्नति के रास्ते आपको काफी आगे तक ले जाएंगे और आपकी मंजिल आपके बहुत करीब नजर आएगी। राशि क्रम में पहला नाम मेष राशि का आता है। मेष राशि के लोगों को शुद्ध और सिंथेटिक फैब्रिक से बने परिधान कपड़े पहनने चाहिए। इनको नीले रंग से, काले रंग से और ग्रे रंग से बचना चाहिए, ये इनके काम के रंग नहीं है। काम का रंग कौन सा है? पीला, लाल, नारंगी रंग अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसे परिधान पहनो जिसमें बहुत सारे कट्स हों, बहुत सारे डिजाइन हों, चमड़े के और पक्षियों के पंखों से बने हुए कोई भी कपड़े मत पहनना। इसके बाद राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि जो है वो चमकीला, सिल्क, सिंथेटिक इस तरह के कपड़ों से दूर रहें, आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये राशि आपके अनुसार नहीं है। इसके अंदर एक और चीज बताते हैं, आपको क्या लेना चाहिए। सफेद और हल्के रंग के कपड़े आप पहने, लाल और नारंगी रंग से बचना चाहिए और बहुत ही सादे या कम डिजाइन वाले परिधान पहनेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। सिल्वर और प्लैटिनम इस राशि के लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल है, इससे आपका व्यक्तित्व गंभीर लगेगा। मेष राशि शुक्र की स्थिर राशि है, इसलिए सफेद रंग तो काफी उत्तम रहेगा। इसके बाद राशि आती है मिथुन राशि। शुद्ध कपास यानी कि कॉटन या लिनन बोलते हैं, उसके परिधान आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए। बुध की राशि है, वायु तत्व है, दिशा है, हरा रंग इनके अनुकूल है, पीला उचित नहीं है। सादे और बहुत सारे डिजाइन वाले परिधान इनके अनुकूल हैं, ऐसा पहनकर अपने आप को समाज में शानदार बना सकते हैं। कर्क राशि, रेशम के, सूती के, लिनन के कपड़े इनके अनुकूल हैं, इनको पहनना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए। सफेद, हल्का पीलापन लिए हुए सफेद रंग के कपड़े बहुत ही उत्तम रहते हैं। नीला और काला रंग कदापि ना पहने, सादे डिजाइन के कपड़े पहने। ये राशि है चंद्रमा की, जल तत्व की चर राशि है, इसलिए चंद्रमा के अनुकूल सफेद रंग बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। सफेद रंग की माला भी पहन सकते हैं। सिंह राशि के लोग क्या करें भाई, सूती कपड़े हैं, बहुत ही उत्तम उचित हैं। स्थिर राशि है, सूर्य की राशि है और अग्नि तत्व है। अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे सूती रंग के, लाल हों, पीले हों, नारंगी हों, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, बहुत तेजी से आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे समाज में। नीले, काले, भूरे रंग के कपड़े बचना चाहिए, नहीं ठीक है। आउटफिट्स में बहुत सारे कट्स का प्रयोग कर सकते हैं, चमड़े का परिधान बिल्कुल ना करें। ब्रांडेड और महंगे कपड़ों की तरफ आपकी रुचि जाती है, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को सूती कपड़े से बने परिधान बहुत ही उचित होते हैं। इनको हरे रंग और सफेद रंगों को चुनना चाहिए। कन्या के राशि के लोगों को सादे डिजाइन ही पहनने चाहिए। द्वि स्वभाव राशि है, ये लोग क्या होते हैं, जैसे रिश्तों को सवारने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, वैसे ही ये अपने
रंग के कपड़े पहनने में भी काफ़ी समय लगाते हैं और उसको भी हमेशा बना के रखते हैं। हरे और सफ़ेद रंग का चयन करेंगे, बहुत ही उत्तम रहेगा। तुला राशि, चमकीले सिंथेटिक सिल्क इस लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल है। जच के रहो, चमकीले कपड़े पहनो, भड़कीले पहनो। शुक्र की राशि है, क्या डर है, दिखावा दिखाना है। हल्का सफ़ेद, सफ़ेद बिल्कुल ब्राइट सफ़ेद हो सकता है, हल्का हरा हो सकता है, भूरा हो सकता है, बिल्कुल पहनो, समझदार लोग होते हैं। शुक्र की राशि है, लाल और नारंगी रंग से बचना चाहिए। सादे और बहुत सारे डिजाइन वाले परिधान पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, मिश्रित सूती कपड़ा पहने, लाल पीला और नारंगी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। नीले और भूरे रंग से बचो, काले रंग को बिल्कुल मत लाइक करो। मंगल की राशि है, स्थिर है, जल तत्व है, तड़क भड़क पसंद नहीं करते, हल्के कपड़े लाइक करते हो वही पहनो, बहुत सारे डिजाइन के हो बट सादे हो, बहुत जचेंगे, समाज में रुतवा बनेगा। धनु राशि, ऐसे लोग सिर्फ फंक्शन, पार्टी, खास मौके पर ही कपड़े पहनते हैं, इनको कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं होता, इसीलिए इनके पहनावे से आसानी से इनका अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह के लोग हैं ये। इस राशि के लोगों के लिए फंक्शन वगैरह मौके अगर कभी यूज करते हैं तो फैशनेबल पीले रंग के शिफॉन, हल्के नारंगी रंग के कपड़े बहुत शुभ होते हैं। गुरु की राशि है, स्थिर है, सादा जीवन व्यतीत करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन पार्टी में इनको ये इस तरह के पीले और हल्के नारंगी रंग के तड़क भड़क वाले कपड़े भी पहनाए जा सकते हैं। राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को कॉटन यानी कि सूती कपड़ा बहुत ही उत्तम, सिंथेटिक से बचो। रंगों में बताएंगे, नीला, काला, भूरा बहुत ही उत्तम कलर है, लाल रंग नहीं पहनो, सफेद तो बिल्कुल नहीं ठीक आपके लिए, नारंगी रंग से भी बचना चाहिए। शनि राशि है, पृथ्वी तत्व की चर मूड है आपका, मूडी होने के कारण कभी कभी अच्छे कपड़े पहनते हो, आपको अच्छा कपड़े की इच्छा ही नहीं होती मकर राशि वालों को, हम तो नहीं समझा सकते इसमें, जैसी आपकी राशि तत्व है वैसे ही आप रहेंगे, फिर भी नीले, काले, भूरे कपड़ों का कॉम्बिनेशन पहनोगे तो समाज में आपका रुतबा बनेगा, स्टेटस बनेगा, गंभीर व्यक्तित्व लगेगा। कुंभ राशि के लोगों का पहनावा जो है ना तो ज्यादा अच्छा होता है ना ज्यादा बुरा होता है, कुंभ शनि की राशि है, स्थिर है। इस राशि के लोगों को अगर एक रंग पसंद आ जाए तो बार बार उसी रंग के कपड़े खरीद लेते हैं, अगर नीला रंग पसंद आ गया तो 100 कपड़े नीले रंग के होंगे, एक ही कपड़े एक ही रंग से चिपक के रहना इनके लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। नीला रंग इनको बहुत उत्तम है, पीला उत्तम है, काला है, भूरे है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, पहनो लेकिन वैरायटी रखो कपड़ों में, डिजाइनिंग रखो। अंतिम राशि आती है मीन राशि, द्विज स्वभाव की राशि है, जल तत्व की है, गुरु की राशि है। मीन राशि के लोगों को सिंथेटिक और चमकीले कपड़े अच्छे लगते हैं, पीला केसरिया, हल्का नारंगी इनको पहनना चाहिए, काले रंग से बचो, सादे और मल्टी डिजाइन कपड़े पहन सकते हैं। अगर आपने रंगों का चुनाव, कपड़ों का चुनाव, स्टाइल, फैब्रिक सब अगर चुन लिया तो कौन रोकेगा आपको समाज में अलग रुतबा मिलने में, नौकरी में, हर तरह में, हर तरह से आपको उन्नति और आने वाले कोई भी जो आपके डिसीजन है उसको आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो एक बार फिर निवेदन करेंगे, पसंद तो आ रहे हैं आपको, वो आपके लाइक से दिख रहा है, जिन्होंने नहीं किया कृपया करके इसको सब्सक्राइब करो, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।